हेलो एवरीवन, मैं हूं सब आलम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल शहजादा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रो चेंज किया है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला इंट्रो बेटर है या जो पहले हम लोग इंट्रो यूज़ कर रहे थे वो बेटर था। फिर उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंट्रो आगे के वीडियो में यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी टॉपिक से जो हमने अभी तक कवर किया है, लेकिन मुझे लगा कि इससे मेरे सब्सक्राइबर का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के फ्री कोर्सेज के बारे में। एक वेबसाइट है गूगल डिजिटल गराज, जो कि फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है गूगल के लिए, और कुछ कोर्सेज गूगल के क्रिएट किए हुए हैं, कुछ यूडेमी, ओडासिटी और अलग अलग प्लेटफॉर्म के क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री। और इस टाइम पे जब मैंने चेक किया है तो 134 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, एंड कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो गूगल के सर्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। और इसमें अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, आपको इसमें प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, और इसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, इसमें आपको पब्लिक स्पीकिंग के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, इसमें आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, वेबसाइट डिज़ाइन के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग टाइप के कोर्सेज इसमें आपको मिल जाएंगे, और कुछ कोर्सेज एक घंटे के भी मिलेंगे, कुछ कोर्सेज 10-15 घंटे के भी मिलेंगे, और कुछ कोर्सेज 400 घंटे 600 घंटे के भी मिलेंगे आपको। तो मतलब इसमें सारे कोर्सेज हैं, बिगनर लेवल कोर्सेज भी हैं, इंटरमीडिएट कोर्सेज भी हैं, प्रोफेशनल लेवल कोर्सेज भी हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल के कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कोर्सेज आपको इसमें फ्री में मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन से अभी मतलब कोरोना से हमारा देश जूझ रहा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद है, कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है, और आप लोग फ्री हो, घर पे बैठे हो, और आप लोग पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा आपको मिलता नहीं है। इस टाइम पे अगर आप इसको, इस टाइम का अगर आप प्रोडक्टिव यूज़ करोगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट मिले इसकी वजह से। क्योंकि देखो, इंडिया में बेरोज़गारी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी, और फिर ये लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं। उसकी वजह से आफ्टर दिस लॉकडाउन जब थोड़ी इंडस्ट्रीज मतलब अपने पोजीशन पे आएंगी, तो फिर जब वो हायर करेंगी लोगों को, तो जब आप मतलब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अभी बेरोज़गार हैं, जो लोग पहले से बेरोज़गार थे, वो सब आपके साथ में कॉम्पिटिशन में होंगे, और जो लोग अभी बेरोज़गार हुए हैं उनका ज़्यादा चांसेस होगा जॉब लगने का, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो आप अपने चांसेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपने क्वालिटी को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके आपका भी चांसेस बढ़ सकता है। तो इस टाइम को सही से यूटिलाइज करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, कुछ स्किल्स सीखो, जिससे कि आपको आसानी से जॉब मिल सके। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे इस वेबसाइट के बारे में। एक बार मैं दिखा देता हूँ कंप्यूटर पर कि वेबसाइट क्या है और किस टाइप के कोर्सेज हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये है गूगल डिजिटल गराज कोर्सेज। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज में आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये देखो, ये खुल रहा है, देखो रिजल्ट 134 कोर्सेज, और यहाँ देखो कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें आपको जो है गूगल के सर्टिफिकेशन मिले हैं, और आपको पता है जिस चीज़ में गूगल का नाम जुड़ जाता है उसका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है। अगर ये सर्टिफिकेट लेके आप इंटरव्यू के लिए जाओगे गूगल के सर्टिफिकेट लेके, तो हो सकता है आपके चांसेस बढ़ जाएं जॉब मिलने के, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इधर साइड में देखो तो काफ़ी सारे फिल्टर्स भी हैं, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। पहले यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ, 135 टोटल कोर्सेज हैं। देखो सबसे पहला ये कोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये 40 आवर का कोर्स है, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। 26 मॉड्यूल्स हैं, 40 आवर का कोर्स है, और बिगनर लेवल का कोर्स है, मतलब शुरू से आपको इसमें सिखाया जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, ठीक है ना।
ये, और इसमें आपको गूगल इस टाइप का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कोर्सेज आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कोर्सेज है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपको हेल्प करेगा जॉब डिजिटल फील्ड में जॉब करने में। डिजिटल मार्केटिंग आपको अच्छी तरह से सिखाएगा। इसके अलावा बैक चलते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे गेट बिजनेस ऑनलाइन, बिजनेस को कैसे ऑनलाइन लाना है, मैक्स योर कस्टमर फाइंड यू ऑनलाइन, ऑनलाइन में अपना प्रेजेंस कैसे बढ़ाना है कि कस्टमर आपको फाइंड करे। यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रमोट बिजनेस विद कंटेंट। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड योर नेक्स्ट जॉब, अपना अगला जॉब कैसे तलाश करना, कैसे ढूंढना, कैसे हासिल करना है उसके लिए है। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कोडिंग बेस, ये भी है कि कोडिंग का बेसिक्स क्या है उसको समझने के लिए भी कोर्सेज हैं। ये एक ही घंटे का कोर्स है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। कल मैंने ये कोर्सेज ट्राई भी किया था और मैंने एक घंटे में ये कोर्स कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग। इसके अलावा और भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, देखो टेक्निकल सपोर्ट फंडामेंटल्स इसके लिए मिल जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ AI इसके भी कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके बाद और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इन कोर्सेज को आप ओपन करके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है आपको, कितने घंटे का कोर्सेज है। और आवर तो यहीं पे दिखा रहा है, आप देखो, और देखो यहाँ पे बहुत सारे और अलग अलग कोर्सेज हैं। तो इसके अलावा इतना सारा ऐसे आप स्क्रॉल करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे इस साइड में देखो तो लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कैटेगरी वाइज फिल्टर है, इसमें कैटेगरी है डेटा एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं, डेटा एंड टेक से रिलेटेड कोर्सेज हैं। इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसको टिक कर दो, उसके रिलेटेड सारे कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और फिल्टर है कोर्स लेंथ, अगर आप कोर्स लेंथ के हिसाब से सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए अलग अलग फिल्टर है। यहाँ पे 2 घंटे के अंदर का चाहिए, या 2 से 10 घंटे के कोर्सेज चाहिए, या 11 से 20 घंटे के कोर्सेज चाहिए, या 20 घंटे से ऊपर वाले कोर्सेज चाहिए, तो उसमें जो पे टिक करोगे उस टाइप का कोर्सेज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी फिल्टर हैं, सर्टिफिकेशन वाला कोर्सेज चाहिए, फ्री सर्टिफिकेट या पेड सर्टिफिकेट, वो भी मिल जाएगा। और कोर्सेज डिफ़िकल्टी क्या होनी चाहिए, बिगनर लेवल होना चाहिए, या इंटरमीडिएट होना चाहिए, या एडवांस्ड होना चाहिए, इसके फिल्टर हैं, इसको यूज़ कर सकते हो आप। और यहाँ पे कोर्स प्रोवाइडर बहुत सारा है, ये सारे जो कोर्सेज हैं सिर्फ गूगल ने डिज़ाइन नहीं किए हैं, कुछ गूगल ने क्रिएट किए हैं, कुछ अदर कंपनीज ने क्रिएट किए हैं, जैसे कोर्सेरा या फिर ओडेसिटी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने ये कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं और गूगल के इस पर लिस्ट किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादातर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आप इनको सीख सकते हो फ्री, घर पे बैठे हो, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ इनमें से करो और अपने स्किल्स को डेवलप करो। इसके अलावा यहाँ पे और एक और चीज़ जो है वो है वेबिनार। यहाँ पे वेबिनार पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे वेबिनार हैं जो कि आप जिनके लिए रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कब ये वेबिनार होने वाला है और किस टॉपिक पे होने वाला है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। और जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पे रजिस्टर करो, और बहुत इजी है। वैसे वेबिनार क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वेबिनार होता है वेब सेमिनार, जैसे कोर्सेज होते हैं जिसमें किसी एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसी तरह सेमिनार भी होता है जिसमें किसी टॉपिक के बारे में बात किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है, और उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। अगर आप उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप सीख सकते हो उस जैसे कोई वेबिनार लंदन में हो रहा है उसको ऑनलाइन आप यहाँ से देख सकते हो। और
वो ऑनलाइन होता है, जिस टाइम पे वो वहाँ पे हो रहा होगा उसी टाइम पे आपको भी दिखेगा, तो आपको वैसे टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब, उसके हिसाब से अपना टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको बैठ के रहना पड़ेगा उस टाइम पे कोर्स अटेंड करने के लिए। और काफ़ी आसान है, कोई उसमें वो नहीं है, उसमें आप जब लाइव जाओगे तो वहाँ पे आपको माइक्रोफोन और कैमरा वगैरह अपना ऑफ रखना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको बताएंगे जो सारी चीज़ें, आप उसको सुन सकते हो। आपको कोई डाउट है तो उस टाइम पे आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके उस टाइम पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो ये है वेबिनार। इसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट में जाएंगे तो इधर माई लर्निंग प्लान्स है, इसमें आप कौन से कोर्स में इनरोल कर चुके हो और कौन से कोर्स आपका कंप्लीट है, कौन सा कोर्स प्रोसेस में चल रहा है, वो सारा कुछ दिखाएगा। यहाँ पे देखो कंप्लीटेड कोर्सेज, मैंने दो कोर्सेज कल रात में किए हैं एक एक घंटे के, एक है अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कोडिंग, दूसरा है स्पीकिंग इन पब्लिक। तो ये मुझे लगा अच्छा कोर्सेज है इसलिए मैंने कल रात को किया है। और इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला भी कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ आज। तो ये काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है, ज्वाइन करो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे उसको ज्वाइन करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, पाँच मिनट का मोस्टली वीडियो होता है और उसको वीडियो को प्ले करो, उसमें कुछ बताएंगे आपको, उसके बाद उसका आप अपना टेस्ट ले सकते हो कि मैं मतलब इस वीडियो में जो बताया गया है उसका एक आप करके क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन अगर आप सही देते हो, वो बस प्रैक्टिस के लिए होता है कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और उसके अलावा जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, जैसे एक घंटे का कोर्सेज है तो मतलब वो पूरा, उसमें एक कोर्सेज में 5-7 वीडियो होगा एक घंटे के कोर्सेज में, तो वो सारा अगर आपने देख लिया तो फिर लास्ट में एक टेस्ट होगा जिसमें 5-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सारे टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पढ़ाया गया उस कोर्सेज में। और उसका मल्टीपल चॉइस आंसर होता है और उसका आंसर देना पड़ता है, उसका कोई टाइम लिमिट वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। उसका आप आंसर देंगे, आपका सही होगा तो ठीक है, सक्सेसफुल आ जाएगा। अगर सही नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको दोबारा चांस मिलेगा उसको अटेम्प्ट करने का, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो कोर्सेज। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।